आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ले चॉकलेट केक। इसके लिए हमें चाहिए बॉर्बन बिस्किट, दो पार्ले बिस्किट, मैंने पूरे दो बिस्किट यहाँ पे लिए हैं, एक कप दूध, 4 से 5 चम्मच चीनी पीसी हुई, और एक इनो का पैकेट और चॉकलेट सिरप। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप ले सकते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। अब सबसे पहले हम पार्ले जी बिस्किट और बॉर्बन बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, तो ये मैंने दोनों बिस्किट को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैंने यहाँ पर बॉर्बन बिस्किट लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, बट बिस्किट चॉकलेट फ्लेवर का होना चाहिए। आप अच्छे से एकदम महीन पीस दें। मैंने यहाँ पे दोनों बिस्किट को अच्छे से महीन पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। मैंने यहाँ पे बॉर्बन बिस्किट लिया था, आप चाहें तो कोई भी दूसरा फ्लेवर, चॉकलेट का फ्लेवर कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन फ्लेवर चॉकलेट का होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी डालूंगी। आपको जितना स्वीट पसंद है उतना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें धीरे धीरे दूध मिलाते जाएंगे। दूध मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। ध्यान रखें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाना है, जितना इसमें अच्छे से मिल जाए। मैं इसे अपने हाथ से फेंट रही हूँ, हाथ से फेंटने से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और आपको जितना दूध सही लगे आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने 1 कप दूध इसमें मिक्स कर दिया है, और उसके बाद मैं इसे काफी देर से फेंट रही हूँ। इसमें कम से कम 1 से 1.5 कप दूध लग जाएगा, वो आपके कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग होगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, और आप इसे तब तक फेंटते रहें जब तक इसके सारे लम्स ना हट जाएं। अब मैं इसमें 1 इनो का पैकेट मिलाने जा रही हूँ। अब मैं इसे फिर लगातार फेंटूंगी। इसे कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक फेंटें। इससे क्या होगा कि आपका केक बहुत फ्लफी बनेगा। इनो डालते ही जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी फ्लफीनेस आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें इनो डालने के बाद इसे काफी देर से फेंटा है, और इसमें अब एक भी लम्स नहीं है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच ये चॉकलेट सॉस मिक्स करने जा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आपको एक एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है, और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि कि हमारा केक अच्छे से बने और कहीं भी चिपके नहीं। यहाँ पे तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं अपना बैटर वाला कंटेनर इसके ऊपर रखूँगी। ये उन लोगों के लिए सही है जिनके पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं है। अब मैं गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे में हमारा केक बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा बर्तन है खुले मुंह वाला, तो आप इसको इसके ऊपर ढक सकते हैं। अब आप आधे घंटे के लिए इसे गैस पे छोड़ देंगे धीमी आंच के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा केक बना है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम एक नाइफ को इसके अंदर डालते हुए देखेंगे। अगर ये बिल्कुल प्लेन निकल आए जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे।